हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष एंड इस चैनल का नाम है EDF ट्यूटोरियल। ये मेरा नया चैनल है और मैं इस पर आप लोगों को काफ़ी सारे डांस ट्यूटोरियल शेयर करूँगा जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन डांसिंग सीख सकते हैं। सो ये वीडियो बेसिकली एक टैपिंग कोरियोग्राफी की ट्यूटोरियल वीडियो है। ये मेरी रिसेंट कोरियोग्राफी शेप ऑफ यू का ट्यूटोरियल है। शेप ऑफ यू एक टैपिंग कोरियोग्राफी बनाई थी मैंने, उसका ट्यूटोरियल है। तो जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ इस लिंक को चेक करें, इस वीडियो पर जाएँ और देखें, रिव्यू करें, कमेंट करें, आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइए। एंड जिन लोगों को नहीं पता टटिंग क्या होता है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली टटिंग एक छोटी सी डांस स्टाइल है जो कि हिप हॉप के अंदर, पॉपिंग के अंदर यूज़ की जाती है। हिप हॉप में काफ़ी सारी स्टाइल्स हैं, जैसे पॉपिंग है, ब्रेकिंग है, लॉकिंग है, वैसे पॉपिंग के अंदर यूज़ की जाती है। एक छोटी सी स्टाइल है, इस स्टाइल के जो बेसिक्स हैं वो ये कहते हैं कि आपको अपने आर्म्स से 90 डिग्री के एंगल्स बनाने हैं और उन एंगल्स से पैटर्न्स बना के आपको इल्यूजन्स क्रिएट करने हैं जो कि यू नो अच्छे लगे। आप कुछ भी नहीं बना सकते, इसमें कोशिश ये रहती है कि हमारे एंगल्स 90 डिग्री रहे। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, तो फटाफट से कोरियोग्राफी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले आपको अपने दोनों आर्म्स, एल्बो से लेकर टिप तक, फिंगर की टिप तक, दोनों आर्म्स को इस तरीके से जोड़ना है और आपके चेहरे के बिल्कुल बीच में दोनों पाम्स जोड़ने चाहिए। जी हाँ। उसके बाद आपको एक छोटा सा बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स को इस बॉक्स से आप अपनी पिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बॉक्स बिल्कुल आपके आँख के सामने होना चाहिए, ठीक है। सो ये बॉक्स बनाया एंड ना आपको अपनी रिस्ट को बाहर निकालना है ताकि एक बीच में एल्बो और फिंगर्स के बीच में एक गैप बन सके। अब वापस करते हैं, हम बॉक्स बनाया, देन रिस्ट को दूर ले गए, एल्बोज एंड फिंगर्स अभी भी टच है, जुड़ी हुई है। इसके बाद आप नमस्कार पोजिशन में आएंगे। जी हाँ, नमस्कार पोजीशन में, ठीक है। नमस्कार पोजीशन से यहाँ से आपको अपना राइट आर्म ट्विस्ट करना है नीचे की तरफ। ध्यान रखिए, जब हम जिन लोगों के आर्म्स अभी फ्लेक्सिबल नहीं है या टैपिंग स्टार्ट की है, उनको ये प्रॉब्लम आएगी कि जब वो राइट आर्म ट्विस्ट करेंगे या लेफ्ट आर्म, जो भी आप ट्विस्ट करेंगे, तो आपके शोल्डर्स टेंड करेंगे ऊपर जाने के लिए। तो कोशिश करें कि ना हो, शोल्डर्स को रिलैक्स करें। तो राइट आर्म ट्विस्ट करेंगे एंड अपनी फोर आर्म्स को पकड़ लेंगे दोनों हाथों से फ्रॉम द टॉप। पहले अपन ने बॉक्स बनाया, देन अपन ने रिस्ट को बाहर ले गए, देन अपन ने नमस्ते किया एंड देन राइट आर्म ट्विस्ट किया, राइट पाम नीचे हो गया एंड दोनों हाथों को पकड़ लिया। लिरिक्स ऐसे कहते हैं, गर्ल यू नो आई वॉन्ट। इसको वापस करते हैं, गर्ल यू नो I want। यहाँ से फिर आपको एक छोटा सा बॉक्स बनाना है। बेसिकली राइट आर्म की फिंगर लेफ्ट के एल्बो पे जाएगी और लेफ्ट की फिंगर्स राइट के एल्बो पे जाएंगी, बिल्कुल एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे एंड इस बॉक्स को आपको क्लोज करना है, फिंगर्स को स्प्रिंकल करते हुए, इस तरीके से स्प्रिंकल करते हुए बॉक्स को क्लोज करना है, ठीक है। सो इस बॉक्स को क्लोज करेंगे एंड ऐसे आपके दोनों पाम्स जुड़ जाएंगे फ्रॉम द टॉप। गर्ल यू नो I want your love. Yes. वापस से, girl you know I want your love. From here आपको अपना wrist सीधा करना है, left arm का wrist है, इसको सीधा करना है, ये हाथ बिल्कुल सीधा हो गया एंड इसको स्लाइड करना है लेफ्ट साइड। अगेन ये इसको सीधा किया अपन ने एंड इसको स्लाइड किया, ठीक है। यहाँ से आपको राइट पाम और लेफ्ट पाम, इनको दोनों को, इन दोनों की रिस्ट को ट्विस्ट करना है। राइट की रिस्ट नीचे जाएगी और राइट आर्म सीधा हो गया और लेफ्ट कर्व हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से आपको यहाँ आना है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं, ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं। आप एक दो बार वीडियो देखेंगे, साथ में करेंगे तो आपको आ जाएगा। अगेन, गर्ल यू नो आई वॉन्ट योर लव। यहाँ से ये सीधा किया अपने लेफ्ट, देन स्लाइड and then twist। यहाँ से right palm left palm के एकदम ऊपर आ जाएगा और इसको अपन को center में लाना है। वापस से करता हूँ, right palm left palm के ऊपर आया एंड ये center आया,
इसके बाद राइट पाम को ट्विस्ट कर देंगे ऊपर की तरफ, जी हाँ राइट पाम को ऊपर की तरफ ट्विस्ट कर देंगे, देन राइट पाम नीचे एंड लेफ्ट पाम ऊपर। अभी आपका राइट हैंड ऊपर है और लेफ्ट हैंड नीचे। अगेन, गर्ल यू नो आई वॉन्ट योर लव, योर लव वॉज हैंड मेड। अगेन 5, 6, 7, गो। गर्ल यू नो आई वॉन्ट योर लव, योर लव वॉज हैंड मेड। आई गेस यहाँ तक आपको कोरियोग्राफी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आपको राइट अपना राइट आर्म ऊपर की तरफ उठाना है। ध्यान रखिए 90 डिग्री एंगल रहे, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होगी, ऐसा कर्व सब शेप बनेगा आपके हाथों से, कोशिश कीजिए फ्लैट रहे। सो राइट आर्म अप किया, रिस्ट 90 डिग्री में फोल्डेड है, देन लेफ्ट आर्म अप किया एंड रिस्ट 90 डिग्री में फोल्डेड है। अगेन राइट वाला ऊपर है, राइट लेफ्ट देन ट्विस्ट। अब एल्बोज को ट्विस्ट किया मैंने और दोनों रिस्ट जुड़ गए, यहाँ पे लेफ्ट वाला रिस्ट आ गया, देन अगेन ट्विस्ट, यहाँ एल्बोज जोड़ दी, यहाँ से मैंने एल्बोज को जोड़ दिया, ठीक है। तो इधर से वापस करते हैं हम लोग, ट्विस्ट लेफ्ट आ गए एंड एल्बोज जोड़ दिए, देन आपको इन दोनों पाम्स को भी सीधा कर देना। ध्यान रखिए ये वेव में होना चाहिए, ऐसे नहीं करना है, वेव में करना है। इसके बाद आपको इस तरीके से क्रॉस बनाते हुए लेफ्ट लेफ्ट पाम ऊपर आएगा और राइट नीचे आएगा, और यहाँ पे लिरिक आएगा मी, सो यू हैव टू पॉइंट योर सेल्फ लाइक मी मी। एक्सप्रेशंस भी दीजिए ताकि टाइटिंग ज़्यादा अच्छी लगे और लोग कनेक्ट कर सकें। अगेन, गर्ल यू नो आई वॉन्ट योर लव वॉज हैंड मेड फॉर सम बॉडी लाइक मी, लेफ्ट पाम ऊपर। Again, slow. Girl, you know I want your love was handmade. Right upar yahan pe for somebody. Yeah, left aa gaya. Like me. Good. So, yahan tak to humne kar liya. Ab iske baad आपको अपना दोनों आर्म्स को ट्विस्ट करना है, लेफ्ट वाला ऊपर आएगा राइट वाला नीचे आएगा। यानी यहाँ से मैंने ट्विस्ट किया, लेफ्ट आर्म ऊपर है राइट आर्म नीचे, यहाँ से लेफ्ट रिस्ट बाहर की तरफ ट्विस्ट होगी एंड राइट अंदर की तरफ ट्विस्ट होगी। जो दोनों रिस्ट हैं वो लाइक ऑपोजिट रहेंगे, सो लेफ्ट बाहर की तरफ राइट अंदर की तरफ, देन आपको इन दोनों रिस्ट को रोटेट करना है, लाइक वो बाहर से ही जाएगी और अंदर की तरफ से जाएगी, दोनों ऑपोजिट रोटेट करेंगी एंड यू हैव टू कम बैक। यहाँ पर राइट ऊपर जाएगा लेफ्ट नीचे जाएगा, बेसिकली हमको पोजीशन चेंज करनी है, लेफ्ट की जगह राइट लाना, बट हम लोग थोड़ा इल्यूजन क्रिएट करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। लेफ्ट बाहर की तरफ देखा, राइट अंदर की तरफ देखा, ये ट्विस्ट किया एंड ट्विस्ट किया एंड ट्विस्ट किया, समझ में आया। तो यहाँ से 1, 2, इसके बाद आपको लेफ्ट साइड से ले जाके ऊपर लाना राइट के, राइट साइड से ले जाके लेफ्ट के ऊपर लाना। अगेन 5, 6, 7 गो, 1, 2, 3, अगेन 5, 6, 7 गो, 1, 2, 3। यहाँ से आपको बेंड करना है अपना एल्बो, एल्बो नीचे ड्रॉप करेंगे, जैसे ही एल्बो नीचे ड्रॉप होगा वैसे ये सीधा रहेगा, आप देखोगे एक छोटा सा बॉक्स बन रहा है। अब है ना इस एल्बो को आपको यू बेंड करके ऊपर लेके जाना है, बेसिकली जो आपका लेफ्ट है वो रिस्ट बेंड होगा और एल्बो स्ट्रेट रहेगी, ठीक है इस तरीके से, और जो राइट है वो स्ट्रेट हो जाएगा ऐसे एंड एल्बो स्ट्रेट यहाँ से रहेगा। तो आपका जो हेड है वो दोनों के बीच में आया, यहाँ से आपको राइट को आगे से लेके जाना है और लेफ्ट को पीछे से लेके राइट ईयर पे लाना है। अब जैसे ही ये होगा ना तो ध्यान दीजिए जो राइट एल्बो है वो ऊपर की तरफ आएगी इस तरीके से, कि राइट एल्बो जो है वो लेफ्ट टिप, लेफ्ट आपके आर्म लेफ्ट फिंगर्स के टिप से टच होगी, लेफ्ट आर्म की फिंगर्स से टच होगी, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं हम लोग, ये वाला तो पार्ट करा हमने, फिर ये राइट ड्रॉप हुआ, देन अपन ये फ्रेम के अंदर अपना हेड डाला, देन राइट आगे से ट्विस्ट हुआ, लेफ्ट पीछे से ट्विस्ट हुआ और राइट एल्बो ऊपर हो गई और एकदम आपके पाम की टिप से टच हो रहा है, ये एक बॉक्स सा हुआ और अपना चेहरा बॉक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ से आपकी जो रिस्ट है वो जो लेफ्ट रिस्ट है वो हेड के एकदम बीच में और राइट है जो चिन की एकदम सेंटर में आएगी, और आपको रिस्ट को रोटेट करना है इस तरीके से एंड राइट आर्म ऊपर आ जाएगा लेफ्ट नीचे आ जाएगा। वापस आते हैं,
रोटेट करेंगे एंड वन, यस वापस रोटेट किया एंड वन, ठीक है. सो फ्रॉम द टॉप वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे आए, ठीक है. यहाँ पे आने के बाद वापस यहाँ पे आए, यहाँ के बाद अपन ने ट्विस्ट किया और ये वो ऊपर आया, देन ट्विस्ट किया, देन राइट अप लेफ्ट डाउन, देन यहाँ से आपको राइट वाला जो आर्म है वो नीचे ड्रॉप करना है और एक फ्रेम बनाना है जिसमें राइट आपका फोरआर्म सीधा है और जो आपका राइट का रिस्ट है वो बेंट है, ध्यान रखिए 90 डिग्री बनना चाहिए. यहाँ से सपोज कीजिए ये आपका लॉक हो गया, बॉडी फ्रेम बन गया है, तो इस फ्रेम को आप ट्विस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि अभी आगे हम हमारे मूव्स काफ़ी हद तक फ्रेम्स के, ठीक है. सो इधर थे हम लोग, यहाँ से ड्रॉप किया, देन ड्रॉप किया, अगेन ड्रॉप ड्रॉप. अब जैसे ये ड्रॉप होगा वैसे आपका लेफ्ट रिस्ट भी ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है. अगेन ड्रॉप ड्रॉप. अब जैसे लेफ्ट रिस्ट ड्रॉप हुआ तो ये भी फ्रेम बन गया है, अब ये भी मूव हो सकता है, फ्रेम्स एज अ फ्रेम, ठीक है. तो ये अपने किया ड्रॉप, देन अपने सेकेंड ड्रॉप किया, अब हम थर्ड ड्रॉप करेंगे और लेफ्ट फ्रेम उठ जाएगा जी. ये पैटर्न बन गया है, वापस से करते हैं 5 6 7 गो 1 2 3 अगेन 5 6 7 गो 1 2 and 3 स्लोली एक बार लास्ट टाइम 5 6 7 गो 1 2 3 यहाँ से आपको अपना लेफ्ट फ्रेम वापस ड्रॉप करना है एंड आपको अपने दोनों पाम्स को जोड़ना है. ध्यान दीजिए लेफ्ट फ्रेम ड्रॉप हुआ एंड दोनों पाम्स जुड़े. अब जैसे ही दोनों पाम्स जुड़ेंगे तो आपको अपना जो वेस्ट है उसको उठाना, ठीक है ना. सो ये वेस्ट उठेगा. लिरिक्स है यहाँ पे से बॉय, यहाँ पे क्या बेसिकली आप गर्ल बोल रही है कि बॉय लेट्स नॉट टॉक टू मच, है ना. तो ये गर्ल की लाइन है तो इसलिए हम लोगों ने वेस्ट उठा लिया थोड़ा सा ऐसे फेमिनिन लुक देने के लिए. सो वेस्ट उठी, देन आपको राइट साइड ट्रैवल कराना है अपने दोनों फ्रेम्स. अगेन वेस्ट उठी एंड राइट साइड दोनों फ्रेम्स ट्रैवल करेंगे, ठीक है. वापस से हम लोग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. यहाँ तक हम आए, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. यहाँ से आपको अपना राइट फ्रेम ड्रॉप करना है, ये पीछे की तरफ ड्रॉप होगा. ध्यान दीजिए जो राइट वाला हैंड है वो पीछे और लेफ्ट वाला आगे है, ठीक है. वैसे दोनों पैरेलल चल रहे थे पर इधर आके मैंने राइट को पीछे से ले लिया, सो बेसिकली मैंने उसको पीछे की तरफ ट्विस्ट करा, ठीक है. तो दोनों फ्रेम्स हैं देखिए एक दूसरे के पीछे, ठीक है. यहाँ से आपका जो राइट पाम है वो ओपन होगा 1, देन लेफ्ट भी ओपन होगा पर वो राइट को टच करेगा और राइट क्लोज हो जाएगा. आप इस करते हैं, ये ओपन हुआ और जहाँ तक लेफ्ट ओपन है ये वहीं तक आएगा, उसके आगे नहीं आएगा लेफ्ट. सो ये ओपन हुआ, देन लेफ्ट वाला भी ओपन होगा तो लेफ्ट वाला सिर्फ वहीं तक आएगा जहाँ तक आपका राइट है. जैसे ही उसने राइट को टच किया लेफ्ट वाला रुक जाएगा और राइट रैप हो जाएगा, फिर राइट फोरआर्म को टच करने के बाद वापस आएगा और वो लेफ्ट को टच करेगा एंड दोनों ही रैप हो जाएंगे. थोड़ा कंफ्यूजिंग है मैं जानता हूँ बट एक बार स्लोली करा रहा हूँ मैं, साथ में कीजिए सो आपको आ जाएगा. सो 1 2 3 समझ में आया. वंस मोर 5 6 7 1 2 3 समझ में आया. ओके लेट्स गो फॉरवर्ड. इसके बाद आपको अपने लेफ्ट लेफ्ट फ्रेम वापस बैक आया 1 इस तरीके से. सो लेफ्ट वापस बैक आया, देन दोनों के दोनों हाथ आपके सामने. अगेन फ्रॉम द लाइक फ्रॉम टॉप, यहाँ से नॉट फ्रॉम द टॉप एक्चुअली, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 समझ में आया. सो यहाँ से 1 and 2 and आपको अपना लेफ्ट फ्रेम भी सीधा करना है, देन आपको दोनों फ्रेम्स को आगे लेके जाना है एंड बैक लाना है अपनी वेस्ट पे. सो यहाँ से आपके दोनों फ्रेम्स आगे जाएंगे देन बैक आएंगे अपनी वेस्ट पे, ठीक है. अगेन यहाँ से आपके दोनों फ्रेम्स आगे गए और बैक आए अपनी वेस्ट पे. HTTP